नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा। स्वागत है आपका एक बार फिर किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मेथी चमन। मेथी चमन मतलब पनीर की सब्जी जो कि मेथी के साथ में बनाई जाती है। और मेथी सर्दियों में सब्जी के रूप में आए तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, क्योंकि मेथी के पराठे खाए जाते हैं, आलू मेथी बनाई जाती है। लेकिन जो मेथी चमन है वो एक इंडियन इंटरनेशनल डिश है जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत रेसिपी है। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन जो दिया है वो है पनीर का। तो स्टार्ट करते हैं बनाना मेथी चमन। सबसे पहले लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा लेंगे प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ी सी लाल वाली मिर्च और लेंगे थोड़ा सा अदरक। इसको बनाने के लिए जो प्याज है इसे चॉप करेंगे, साथ में लेंगे कच्ची अदरक। कच्ची अदरक ये है इसलिए क्योंकि इसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल बारीक छिलके हैं, इसलिए इसे छीलना ज़रूरी नहीं है। और इसे करेंगे चॉप, रफली चॉप करेंगे। साथ में लेंगे थोड़ा सा लहसुन, लेंगे हरी मिर्च, साथ में लेंगे फिर लाल मिर्च, लेते हैं थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, और इसमें भी डालेंगे मेरी फेवरेट साउथ लाल मिर्च। अदरक और लहसुन जो है इसे हम डालेंगे पहले। साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप पे डालेंगे लाल मिर्च और हरी मिर्च। अब लेंगे थोड़ा सा टमाटर, टमाटर जो है इसमें हमने लंबे लंबे चंक्स डाले हैं। और इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है
डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे बहुत थोड़ी सी हल्दी। और डालेंगे थोड़ा पानी और अब हम इसमें काटेंगे मेथी। मेथी जो है फ्रेश मेथी लेनी है। और मेथी को इस तरीके से आप रख के और बिल्कुल बारीक चॉप, जितना बारीक चॉप आप कर सकते हैं उतना करें, जैसा कि हम पराठों के लिए करते हैं। और ये जो मेथी है इसे पानी में सोक करेंगे। कोई भी लीवी वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें लीव्स होती हैं उसको आप पानी में थोड़ी देर अच्छे से सोक करके रखें, जिससे उसमें यदि कोई मिट्टी या कुछ चीज़ें हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं। ये एक बहुत पुराना तरीका है, किसी भी वेजिटेबल्स को, पालक को, धनिए को यदि आप करते हैं तो इस तरीके से आपको करना है। और अब जो ये मेथी है इसका इस तरीके से पानी निकाल के हमें इसे ग्रेवी में डालना है। और ये जो मेथी है इसे आपको पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर पनीर जो है इसके हमें इसमें क्यूब्स डालने हैं। अब डालेंगे इसमें मैजिक इंग्रेडिएंट जो है इसका, वो है फ्रेश क्रीम। क्रीम की क्वांटिटी जो है वो अच्छी रखनी है, तभी ये सर्दियों के लिए एक रिच डिश बनेगी। और इसका कलर जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। देखें आप इसमें जो कलर है एकदम क्रीमिश हो गया है। मैं डालूंगा थोड़ा सा गरम मसाला और ये मेरी डिश जो है तैयार है सर्व करने के लिए। तो मेरा मेथी चमन जो है वो तैयार है। बेहद डिफरेंट डिश है, शायद आपने खाई नहीं हो, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिसे कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स का जादू है इस रेसिपी में। और सर्दियों में इस रेसिपी का मज़ा ही कुछ और है। और इसे सूखी चपाती के साथ खाएं,
बिना घी लगी हुई चपाती के साथ खाएं, करारी जो हम लोग खस्ता रोटी बनाते हैं उसके साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो ये है मेरी बेहतरीन रेसिपी मेथी चमन, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिश है। अब बनाऊंगा मैं ब्रेक के बाद गोंद के लड्डू, जिसे बनाना बेहद आसान है। गोंद के लड्डू जो हैं सर्दियों के लिए सबको पसंद है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि सुबह रोज़ाना एक लड्डू यदि खाया जाए तो ये पूरा दिन आपको तंदुरुस्त रखते हैं, और सर्दी से जो आपको ठिठुरतापन होती है या ताकत में कमी आती है उसे बहुत अच्छे से रखता है। तो लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बनाऊँगा गोंद के लड्डू। Oh,